हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हैंड पावर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 36 क्वेश्चंस है हैंड पावर से रिलेटेड और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन समाहित है। इस वीडियो के अलावा हैंड पावर से रिलेटेड आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, MPTET रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी आप बहुत जोरों से करना स्टार्ट कर दिए होंगे एंड मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। सभी मटेरियल सिलेबस अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे आप UP TGT की तैयारी कर रहे हो, चाहे UP LT ग्रेड की, अदर स्टेट की TGT PGT की, KVS TGT PGT, NVS TGT PGT, तो फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर MCQ वन लाइनर क्वेश्चन और डेली बेसिस में जो आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ सभी चीज़ें अवेलेबल है। कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन का मैंने MPTET में आपको रिवीजन करा है। वो सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी बार बार रिवीजन कीजिए। और मैं डेली बेसिस पे आपको मेन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसे ही गेम का वीडियो खत्म होगा, मैं टॉपिक वाइज सभी चैप्टर का MCQ फिर से आपको रिवीजन कराऊंगी, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं हैंड बॉल के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी भी अपना अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है कि हैंड बॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, हैंडबॉल को पहले ओलंपिक हैंडबॉल, कोर्ट हैंडबॉल, यूरोपियन हैंडबॉल, उपरोक्त सभी नामों से, इन सभी नामों से जाना जाता था। दोस्तों, इसका जो है हैंडबॉल, रोम के लोग पहले हास्पलटन खेलते थे एंड दोस्तों इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है कि 19वीं सदी में के अंत में जर्मनी के जिम्नास्टिक मास्टर कुमार्ड कोच द्वारा इसकी खोज की गई। और दोस्तों, यह ऐसा खेल है हैंडबॉल जिसका जिक्र जो है होमर ने अपने ओडिसी नामक महाकाव्य में किया है। तो एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है कि होमर ने किस खेल का वर्णन अपने ओडिसी नामक महाकाव्य में किया है, तो हैंडबॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन IHF की स्थापना कब की गई। तो इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना 1946 में कब किया गया 1946 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर बसेल स्विट्जरलैंड है, दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड भारतीय हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 में हुआ है, HFI, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन 1946 में। नेक्स्ट है, हैंडबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, कौन सा खेल ओलंपिक में कब शामिल किया गया, इसका मैं वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है सभी गेम का एक ही जगह पर। और ये क्वेश्चन एक में एक जरूर पूछता है किसी गेम का। तो हैंडबॉल को ओलंपिक में 1936 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया। तो हैंडबॉल को एशियाई खेलों में 1982 नई दिल्ली में शामिल किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों, तो हैंडबॉल के मैदान की लंबाई चौड़ाई 40×20 मीटर होती है, 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। नेक्स्ट है, गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है हैंडबॉल में। तो इसकी चौड़ाई गोल पोस्ट की 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों, हैंडबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है 2 मीटर होती है एंड चौड़ाई 3 मीटर, दोनों चीजें याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल में पेनाल्टी लाइन से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है। तो 7 मीटर होती है, कितनी, 7 मीटर, जबकि हॉकी में 6-7 गज होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का बॉल का भार कितना होता है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का बॉल का भार जो है 325 से 375 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 425 से 475 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के लिए हैंडबॉल के बॉल की परिधि कितनी होती है। दोस्तों, तो पुरुषों के लिए बॉल का भार तो 425 से 475 होता है, इसकी परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर होता है, जबकि महिलाओं के लिए बॉल का भार 325 से 375 ग्राम होता है एंड इसके परिधि होती है 54 से 56 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट है हैंडबॉल में कुल कितने खिलाड़ी मैच खेलते हैं दोस्तों, तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं हैंडबॉल, वाटर पोलो एंड कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी एक पक्ष में खेलते हैं और स्थानापन्न भी 7 होते हैं, कुल 14 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कम से कम कितने खिलाड़ी होने पर मैच में खेला जा सकता है, तो 7 तो होने चाहिए बट कितने खिलाड़ी रहेंगे तो मैच को खेला जा सकता है, तो कितने खिलाड़ी रहेंगे तो खेला जा सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम कितने खिलाड़ी रहेंगे तो खेला जा सकता है, तो 5 खिलाड़ी रहेंगे, कितना 5 खिलाड़ी रहेंगे तो मैच को खेला जा सकता है। नेक्स्ट है हैंडबॉल के मैच की अवधि कितने मिनट का होता है, कितने समय का, तो 60 मिनट का होता है, 30 मिनट के 2 हाफ, बीच में 10 मिनट का मध्यांतर होता है। नेक्स्ट हैंडबॉल मैच के अवधि के बीच में मध्यांतर कितने समय का होता है, तो मध्यांतर जो है दोनों के बीच में 30-30 मिनट का 2 हाफ और मध्य में मध्यांतर जो है 10 मिनट का होता है, कितना 10 मिनट का। नेक्स्ट है एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है, तो दोस्तों हैंडबॉल में एक टीम एक हाफ में कितने टाइम आउट ले सकती है, तो एक टाइम आउट 1 मिनट का ले सकती है, कितना एक टाइम आउट 1 मिनट का ले सकती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट है, ऑप्शन नंबर क राइट है, तो एक टीम एक हाफ में एक टाइम आउट ले सकती है। नेक्स्ट IHF का मुख्यालय कहाँ है, IHF इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना 1946 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है बैसेल स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है IHF के वर्तमान अध्यक्ष 2021 में कौन है, तो दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष है हसन मुस्तफा, कौन हसन मुस्तफा। नेक्स्ट हैंडबॉल खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन संचालित करता है, तो IHF यानी कि इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है हैंडबॉल खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित करता है। नेक्स्ट हैंडबॉल खेल के नियम में पुरुष और महिलाओं के लिए एकमात्र क्या अंतर है दोस्तों, तो मैदान की माप सेम होती है, गोल पोस्ट का आकार सेम होता है, शूटिंग सर्कल का आकार सेम होता है, बट बॉल का आकार दोनों का अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए बॉल का भार 425 से 475, महिलाओं के लिए 325 से 375 ग्राम। नेक्स्ट है गोल की रेखाओं की मोटाई कितनी होती है, तो हैंडबॉल में गोल रेखाओं की जो मोटाई होती है वह 8 मीटर होती है, कितनी 8 सेंटीमीटर होती है, कितनी 8 सेंटीमीटर, और अन्य रेखाओं की मोटाई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है गोल एरिया कितने मीटर के अर्धव्यास की रेखा द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो डी एरिया होता है वह 6 मीटर, अंदरूनी जो गोल रेखा होती है वो 6 मीटर के अर्धव्यास की होती है, ठीक है, एंड बाहरी गोल एरिया जो होती है 9 मीटर अर्धव्यास की होती है। नेक्स्ट है गोल एरिया में 6 मीटर अर्धव्यास की रेखा पर सीधी लाइन कितने मीटर की होती है, जो सीधी लाइन होती है वह होती है 3 मीटर की, कितने मीटर की 3 मीटर की। नेक्स्ट है फ्री थ्रो लाइन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे फ्री थ्रो लाइन को 9 मीटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल के कोर्ट में जेबरा रेखा के आकार की लाइन कौन सी होती है, तो यह लाइन होती है 9 मीटर लाइन वाला एरिया लाइन जो होता है वो जेबरा रेखा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पेनाल्टी रेखा की माप क्या होती है, तो पेनाल्टी रेखा जो होती है 100×5 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नेक्स्ट है 9 मीटर लाइन गोल के सामने सीधी रेखा में कितनी लंबी होती है, तो 9 मीटर लाइन भी गोल के सामने सीधी रेखा में 3 मीटर होती है। नेक्स्ट है गोलकीपर के लिए री स्टैंडिंग लाइन गोल से कितने मीटर आगे होती है, तो यह 4 मीटर आगे गोलकीपर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंडबॉल खेल कितने समय का होता है, कितने मिनटों में, तो 30-30 मिनट के 2 हाफ और ब्रेक जो है बीच में 10 मिनट का होता है। नेक्स्ट है हैंडबॉल का मैच अगर बराबर यानी टाई हो जाए तो अगले क्रम में निर्णय क्या होगा, तो अगले क्रम में निर्णय होगा कि 5 मिनट का ब्रेक देकर
पांच पांच मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, पांच पांच मिनट का, बीच में मध्यांतर एक मिनट का, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरिक्त समय के पश्चात टाई ब्रेक के नियम के अंतर्गत जो पेनाल्टी थ्रो दी जाती है उसे हेतु गोल पोस्ट का चयन कौन करता है? तो रेफरी करता है। कौन करता है? रेफरी करता है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त समय में एक टीम कितने टाइम आउट ले सकती है? तो अतिरिक्त समय में एक टीम कोई भी टाइम आउट नहीं लेती है, ठीक है। और वैसे एक टाइम आउट एक टीम में एक मिनट का एक टाइम आउट ले सकती है। नेक्स्ट है, एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकता है? तो एक टीम जो है पूरे के पूरे खिलाड़ी बदल सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी वजह से मैच के दौरान अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर जाए तो निर्णय क्या होगा? तो दोस्तों निर्णय यहाँ पे होगा कि टीम दो मिनट के लिए छह खिलाड़ियों के साथ खेलेगी। नेक्स्ट है, अगर किसी टीम के किसी खिलाड़ी को दो मिनट के लिए बाहर सस्पेंशन यानी कि निकाला जाता है तो खेल कहाँ से शुरू होता है? तब खेल साइड लाइन थ्रो से शुरू होता है। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी बाल को पकड़कर अधिक से अधिक कितने कदम तक चल सकता है? तो एक खिलाड़ी जो है बाल को पकड़कर अधिक से अधिक तीन कदम तक चल सकता है। कितने कदम? तीन कदम तक। नेक्स्ट है, एक खिलाड़ी अधिक से अधिक कितनी देर तक बाल को एक ही जगह पर पकड़कर रख सकता है? तो एक ही जगह पकड़कर वह केवल तीन सेकेंड तक रह सकता है। तो दोस्तों ये था हैंडबॉल से रिलेटेड 36 क्वेश्चंस, और इससे बाद कोई हैंडबॉल से क्वेश्चंस नहीं आएगा और फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यही वीडियो आपके लिए काफी है हैंडबॉल से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और तैयारी बेहतरीन ढंग से डेली बेसिस पे करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।